हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं ब्रह्मदेव दास और मैं आज आपको 11th क्लास का फर्स्ट लेसन, ये यूपी बोर्ड और सीबीएसई बोर्ड 11th में दोनों ही बोर्ड में चलता है, तो ये है द पोर्ट्रेट, ये है आपका फर्स्ट लेसन द पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी। ये आपका फर्स्ट चैप्टर है। ये फर्स्ट चैप्टर के मैंने इंपॉर्टेंट इसमें से वर्ड मीनिंग्स लिखे हैं और ये वर्ड मीनिंग्स आपके लिए बहुत ही काम में आने वाले हैं। इनको अगर तैयार कर लेते हैं तो चैप्टर को समझने में आपको दिक्कत नहीं आएगी। और इससे पहले मैं वीडियो समरी हिंदी में एनिमेटेड वीडियो में डाल चुका हूं और मैंने समझाया है उस वीडियो में हिंदी समरी क्या है, शॉर्ट में 7-5-6 मिनट की वीडियो है। और तो आप इसमें वर्ड मीनिंग आप देखिएगा, रिंकल्ड झुर्रियोंदार, पोर्ट्रेट चित्र, और मेंटल पीस लकड़ी की बनावट भी होती है, अंगीठी भी कह सकते हैं, और सॉर्ट ऑफ की तरह से, टेरिबली बुरी तरह से, और ग्रॉन बड़े हुए, हॉबल्ड मीन्स लंगड़ाया, स्पॉटलेस धब्बे रहित, स्टूप झुकाव, बीड्स मनके या दाना, रोजरी ये माला होती है, रोजरी मीन्स माला से कहते हैं, और स्कैटर्ड फैलाया, और अनटिडली बिखरे हुए, पकर्ड झुर्रियों वाले, और सैरेनिटी शांति, और आप देखें पकर्ड ये आगे देखें, लैंडस्केप भूदृश्य, और इनऑडिबल आवाज़ बिना किए, मतलब शांति से, एक्सपेंस फैलाओ विस्तार, मोनोटोनस एक लय, मतलब लय के रूप में लयबद्ध तरीके से, और बदड़ परेशान होना या परवाह करना, और फैच लाना, प्लास्टर किया हुआ, और टिनी छोटा, और आइदर साइड दोनों ओर कह दीजिए या चारों तरफ वैसे तो, और कोरस ये समूह गान होता है, समूह में जब गीत गाते हैं एक लय में, और स्क्रिप्चर धार्मिक पुस्तकों को स्क्रिप्चर्स कहा जाता है। और देखें जो पूरे चैप्टर्स को मैंने क्लियर किया है इसी वीडियो में, मीनिंग आप एक बार देख लेंगे, ज़्यादा समझ में आ जाएगा जब पूरा लेसन। ग्रॉलिंग गुर्राते हुए, सेटल्ड बस गए, नो लॉन्गर अब नहीं, फीडिंग खिलाना, और रोल्ड बाई बीतता गया, ग्रेविटी गंभीरता या गहराई, और डिस्ट्रेस्ड दुखी, और डिस्टर्ब्ड विचलित, और स्नैप्ड टूट गया, SNAPPED, स्नैप्ड टूट गया, और सेक्लूशन एकांतवास, और रिजाइनेशन इस्तीफा, और पर्च्ड बैठ गया, सूड भगाया, और एब्रॉड विदेश, फॉरहेड माथा, और चेरिश्ड दुलार किया, प्यार किया, लाड़ किया, और इम्प्रिंट छाप निशाने। तो ये रहे आपके वर्ड मीनिंग। अब मैं आपसे बात करता हूँ इसके चैप्टर के बारे में, चैप्टर की समरी पहले मैं सुना चुका हूँ, अब मैं आपको चैप्टर हिंदी अर्थ में आपको करता हूँ। देखो जो पैसेज आपके हो जाते हैं, ज़्यादा बड़ी वीडियो नहीं करूँगा, 1-2 पैसेज में करूँगा, तो इस चैप्टर को 2-3 वीडियो में बांटूँगा। देखें आप, माई ग्रांड मदर लाइक एवरीबडीज ग्रांड मदर, मेरी दादी माँ अन्य लोगों की, मतलब सबकी दादी माँ की तरह से ही, वाज एन ओल्ड वुमेन, एक बूढ़ी महिला थी। तो मेरी दादी माँ अन्य लोगों की दादी की माँ की तरह से ही बूढ़ी महिला थी। सी हैड बीन एन ओल्ड एंड रिंकल फॉर द 20 ईयर्स, वे 20 वर्षों से लगभग झुर्रियों वाली और बूढ़ी महिला सी ही प्रतीत होती थी। दैट आई हैड नोन हर, जब से मैंने उन्हें जाना था, अर्थात जब से मैंने, लेखक कहते हैं जब से मैंने उन्हें देखा था तब से वो ही उनके शरीर पर झुर्रियाँ और बुढ़ापा ही मैंने देखा था। पीपुल सैड, लोग बताते थे, दैट सी हैड वंस बीन यंग, लोग कहते थे कि वह युवा रही होंगी, एंड लोग बताते थे कि वह युवा रही होंगी, एंड प्रेटी, और वो सुंदर भी थी, एंड हैड इवन ए हस्बैंड, लोग कहा करते थे कि उनके एक पति भी थे, सुंदर भी थी और वे जवान भी थी। बट दैट वॉज हार्ड टू बिलीव, लेकिन इस बात पर विश्वास करना कठिन था कि यार मेरी दादी माँ बूढ़ी रही होंगी, मतलब मेरी दादी माँ जवान रही होंगी। लोग कहते थे पति थे उनके, वो सुंदर भी थी, जवान भी थी, लेकिन इस पर विश्वास करना मुश्किल लगता था। खुशवंत सिंह कहते हैं, इस पर मुझे तो विश्वास नहीं होता था। माई ग्रैंड फादर्स पोर्ट्रेट हंग अबव द मेंटल, है ना, मेंटल पीस इन द ड्राइंग रूम। तो ड्राइंग रूम में लकड़ी की बनावट का, अर्थात लकड़ी के फ्रेम में,
क्या टंगा हुआ था, उनका एक पोर्ट्रेट चित्र टंगा हुआ था बाबा का, है ना, ऊपर दीवार पर। तो ही बोर ए बिग टर्बन, वो है एक बहुत बड़ी पगड़ी पहना करते थे ना, हुआ ही बोर हुआ पहने हुए थे एक बड़ी टर्बन पगड़ी, एंड लूज फिटिंग क्लॉथ्स और ढीले ढाले कपड़े पहने थे, जो चित्र था उसमें। हिज लॉन्ग वाइड बियर्ड कवर्ड द बेस्ट पार्ट ऑफ हिज चेस्ट, उसकी लंबी सफ़ेद दाढ़ी इतनी लंबी थी कि उनके चेस्ट को अर्थात तो उनके सीने को ढकती थी, तो सीने के नीचे तक उनकी लंबी दाढ़ी आती थी। एंड ही लुक्ड एटलीस्ट 100 years old, और ऐसा लगता था मानो कम से कम 100 वर्ष के तो रहे होंगे दादा, ऐसा मतलब उनके पोर्ट्रेट से, उसके चित्र से मालूम होता था कि 100 वर्ष के रहे होंगे। ही डिड नॉट लुक द सॉर्ट ऑफ पर्सन हु वुड हैव अ वाइफ और चिल्ड्रन, ही डिड नॉट लुक, वैसे नहीं दिखते थे द सॉर्ट ऑफ माने वैसे उस प्रकार के लोगों में से, हु माने जिनके वुड हैव ए वाइफ और चिल्ड्रन, वे ऐसे नहीं लगते थे जैसे शायद कभी उनके बच्चे है ना या उनकी एक पत्नी रही होगी, तो मतलब ऐसा लगता नहीं था उनके बीवी बच्चे होंगे, मतलब वो लेखक कहता कि लगते ही बुढ़े थे बिल्कुल, तो ऐसा लगता था जैसे ऐसे ही रहे होंगे ये। ही लुकड, ऐसे देखते थे एज ए मानो ही कुड ओनली ए लॉर्ड्स एंड लॉर्ड्स ऑफ ग्रैंड चिल्ड्रन, वो ऐसे लगते थे एज इफ मीन्स मानो उनके बहुत सारे बहुत बहुत संख्या में कैसे क्या ग्रैंडसन नाती होंगे। एज फॉर जहाँ तक माई ग्रैंड मदर बीइंग यंग प्रेटी, अगर मेरी दादी माँ की अगर बात करते हैं तो युवा और प्रेटी होने की, तो द थॉट वाज ऑलमोस्ट रिवोल्टिंग, तो ऐसा लगता था जैसे इस पर लड़ पड़ूँ किसी से, मतलब ऐसा लगता था रिवोल्ट कर बैठूँ, विरोध करूँ, विद्रोह करूँ इस बात पर, मतलब मुझे घृणा लगती थी। लोग मुझसे कहते थे कि तुम्हारी दादी माँ की बात है, तो दादी माँ सुंदर थी, यंग थी, उनका एक हस्बैंड भी था, तो मुझे लगता था इनसे लड़ पड़ूँ, है ना, जब कोई कहता था। तो सी ऑफन टोल्ड अस ऑफ द गेम्स, सी ऑफन टोल्ड, वह प्राय मुझसे कहती थी ऑफ द गेम्स, खेलों के बारे में, सी यूज टू प्ले एज ए चाइल्ड, एक जैसे बचपन जब उनका बचपना था तब वो खेल खेला करती थी, तो अगर कोई खेल की अगर उनसे बात करता था तो तब भी ऐसा विश्वास नहीं होता था कि शायद के वो जो ये खेल खेला करती होंगी, मतलब ऐसा लगता नहीं था मुझे कि वो शायद कोई खेल खेलती थी। मुझे उनकी बात पर ये बिल्कुल भी यकीन नहीं होता था, अर्थात मुझे इस बात पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं होता था। आगे देखें, हाँ आगे देखिएगा, दैट सीम्ड क्वाइट एब्सर्ड, ये बिल्कुल भद्दा सा प्रतीत होता था, पूरी तरह से भद्दा बेहुदा लगता था, एंड अनडिग्निफाइड और अपमानजनक ऑन हर पार्ट, तो उनके बारे में अगर ऐसी कोई बात कहता था तो एक तो अपमानजनक लगता था और एक बड़ा अतार्किक लगता था। एंड वी ट्रीटेड इट लाइक द फेवर ऑफ द प्रोफेट्स, और मुझे ऐसा लगता था इन सारी कहानियों को मैं ऐसा लगता था जैसे किसी भविष्यवक्ता ने ये झूठ मूठ की कहानी भविष्यवाणी की होगी, ऐसा मुझे लगता था। सी यूज टू टेल अस, जो मुझे बताती थी, है ना, जैसा कि वो कहा करती थी। सी हैड ऑलवेज बीन सॉल्ट एंड फैट स्लाइटली वेंट, वह सदैव एक ठिगनी मोटी ताजी और स्लाइटली हटके झुककर चलने वाली, तो उनका कद कैसा था दादी माँ का, छोटा था, झुककर चलने वाली थी, है ना, ऐसा थी और मोटी ताजी थी। हर फेस वाज क्रिस क्रॉस ऑफ रिंकिंग रनिंग फ्रॉम द एवरीवेयर टू एवरीवेयर, उनके चेहरे पर झुर्रियाँ अर्थात ऐसी झुर्रियाँ थी कभी एक दूसरे को झुर्रियाँ काटती थी, है ना, जैसे एक्स होती है एक्स की तरह से उनके चेहरे की दुनिया एक दूसरे को काट, एक जगह से दूसरी जगह पर जाती थी। नो नहीं, वी वर सर्टेन हमें पूरा विश्वास था कि सी हैड ऑलवेज बीन एज, वे वैसी रही होंगी एज वी हैड नोन हर, वे वैसी ही होंगी जैसा उन्हें देखा था। ओल्ड, इतनी बूढ़ी, सो टेरबली ओल्ड, इतनी बूढ़ी दैट सी कुड नॉट हैव ग्रोन ओल्डर, अरे इतनी बूढ़ी और इससे ज़्यादा यार क्या बूढ़ी होंगी, मतलब उचित लेखक कह रहा है इतनी बूढ़ी उससे और ज़्यादा बूढ़ी क्या होंगी। एंड हैड स्टेड एट द सेम एज फॉर 20 years, और मैंने हैड स्टेड एट द सेम एज फॉर 20 years, और 20 वर्ष से मैंने ऐसे ही ठहरी हुई दिया अर्थात इसी प्रकार से मैं देख रहा था, ऐसी ही उनकी एज थी 20 वर्षों से। सी कुड नेवर हैव बीन प्रेटी, मतलब प्रेटी, वो कहता है कि शायद वो कभी भी, सी कुड नेवर हैव बीन प्रेटी, वो कभी सुंदर नहीं रही होंगी, कभी जवान नहीं रही होंगी, ऐसा उसका ख्याल है। बट सी वाज ऑलवेज ब्यूटीफुल, लेकिन सदैव वो सुंदर भी थी, है ना। सी हवल्ड अबाउट द हाउस इन स्पॉटलेस वाइट,
विद वन हैंड रेस्टिंग ऑन हर वेस्ट। ये कह रहे हैं सदैव वो चलती लंगड़ा लंगड़ा की चलती थी घर में, कैसे, स्पॉटलेस वाइट कपड़ों में पहन करके, अतः बिल्कुल श्वेत कपड़े, मतलब जो जो विडो महिलाएं होती हैं तो उन उस वेशभूषा में वो रहा करती थी, तो सफ़ेद कपड़े पहनकर घर में रहती थी। विद वन हैंड और एक हाथ उनका आराम अर्थात रखा रहता था, कहाँ पर, वेस्ट पर, कमर पर रखा रहता था। टू बैलेंस हर स्टूप, अपने ऐसा लगता था मानो अपने झुकाव, स्टूप मन क्या होता है, झुकाव, अपने झुकाव को, शरीर का बैलेंस बनाना चाह रही हूँ, इस तरह से एक उनका दूसरा हाथ कमर पर रहता था। एंड अदर टेलिंग द बीड्स ऑफ हर रोजरी, और दूसरा जो बीड्स थी अर्थात जो माला थी, रोजरी थी, उसको घुमाती रहती, दूसरे हाथ में उनके माला हुआ करती थी तो उस माला को वह फेरती रहती थी। हर सिल्वर लॉक वर स्कैटर्ड एंटिटी ओवर हर पैल पकर्ड फेस, उसके जो सिल्वरी जो लॉक थे, बाल थे, वह फैले रहते थे, बिना कड़े हुए उलझे बाल रहते थे, अर्थात फैले हुए बाल उन